आप सोच कर देखिए कि अगर एक नॉर्मल आदमी अगर आवाज उठाएगा तो उसको तो ये लोग जिंदा मार देंगे। खरीदे हुए भाड़े के टट्टू और गुंडे हैं और जो तलवे चाटने वाले हैं कि ये अपने सत्ते के मद में, ये अपने सत्ते को पाने के लिए और अपनी कुर्सी को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। विशेष समुदाय का लोग मरता है उस पे तुम सब लोग छाती पीटते हो, सारा मीडिया छाती पीटता है। ये एक वामपंथी है और सिर्फ दंगा और आतंकवाद को फैलावा देता है। मिला जुला सरकार है तब उनको इतना हिम्मत है। जिस दिन मैं कह रहा हूं अगर उनका पूर्ण रूप से सरकार होगा, सब लोग अपना कान खोल के सुन ले, मरने के लिए तैयार रहे और आप लोग को मरना पड़ेगा और आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है और कोई आपका साथ देने वहां नहीं आएगा। कि हर जगह कोविड 19 में वो चंदा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी संत को कोरोना हो गया है, आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई संत छिप रहा है, लेकिन हर जगह आपको दिखने को मिलेगा कि कौन छिप रहे हैं और कौन। आज तक आपने ये कभी सुना है कि मस्जिद से चंदा आया है? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो अर्णब गोस्वामी पर कांग्रेस ने जगह जगह एफआईआर कराई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी और कांग्रेस के मुंह पर एक कड़ा तमाचा जड़ दिया है। अब कड़ा तमाचा आप कैसे समझते हैं वो आप समझ सकते हैं कि जो जगह जगह अर्णब गोस्वामी और इनकी टीम को परेशान करने के लिए जगह जगह एफआईआर की गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुंबई में अर्णब गोस्वामी रहते हैं तो वहीं पर उनका ट्रायल भी होगा। तो आज हमारे साथ धीरज पांडे जुड़ेंगे और ये आप समझ सकते हैं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सपर्ट भी हैं। ये इन्होंने मतलब बाहर की कंट्रियों के साथ बहुत अच्छी डील भी की है, जैसा कि ये अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो धीरज जी, किस नजर से देखते हैं आज कांग्रेस के मुंह पर बड़ा तमाचा जड़ दिया है और तीन तीन कांग्रेस के जो बड़े बड़े वकील इस केस को लड़ने के लिए खड़े हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुआ है कि अर्णब गोस्वामी जी को हाईकोर्ट के द्वारा वो उनके पक्ष में फैसला किया गया है। तो ये देखिए, अगर एक पत्रकार को, अगर एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोचिए ये कांग्रेस वाले आम जनता के साथ क्या क्या कर सकते हैं जी। आप अगर आप ये देखो ना, अगर एक पत्रकार जो इतने मतलब जो देश जो राष्ट्रहित के लिए बोल रहा है उसके साथ इतना बड़ा घटना, उसके ऊपर 200 एफआईआर और प्लस एक उसके बाद उसके ऊपर हमला कराया जाता है, आप सोच कर देखिए कि अगर एक नॉर्मल आदमी अगर आवाज उठाएगा तो उसको तो ये लोग जिंदा मार देंगे। मैं आपको कहता हूं, जिस तरह से पहले कांग्रेस के नेता मरते आए हैं ना, जो प्रधानमंत्री होते हुए भी मार दिए गए थे, तो आम जनता का यहाँ तो कुछ भी नहीं चलेगा। ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको जो ये खरीदे हुए भाड़े के टट्टू और गुंडे हैं और जो तलवे चाटने वाले हैं, उनको अपनी औकात पता है कि जब तक वो तलवा चाट रहे हैं, जब तक उनके कहे पे चल रहे हैं, तब तक वो जिंदा है। जिस दिन वो नहीं मानेंगे ऐसा, जिस दिन इस चीज को छोड़ देंगे, वो फिर से उनको मार दिया जाएगा। जिस हिसाब से अपने अपने जो लाल बहादुर शास्त्री जी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इतने अच्छे आदमी को नहीं छोड़ा, तो इन जो तलवा चाटने वाले इन सबको पता है इनकी औकात। और कांग्रेस एक ऐसा सांप है जो इस भारत देश को अपने अंदर निगल जाएगा। जिस हिसाब से ये निगलते आ रहा है, जो उसी हिसाब से एक कांग्रेस एक डायन की तरह बैठी हुई है सत्ता में। इसको सत्ता से बाहर करने का बिल्कुल सही और सटीक समय है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे एक चेहरा सामने आकर के इनको बैकफुट पे धकेल दिया है। अब लोगों को उनका साथ दे करके कांग्रेस को एकदम धूल चटाना होगा और इस देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटाना होगा, तभी जाकर के आगे एक सुनहरा भारत का भविष्य देखा जा सकता है। नहीं तो भारत का सुनहरा भविष्य नहीं देखा जा सकता है। जहां पे एक राष्ट्रभक्त पत्रकार के साथ इतनी घिनौनी हरकत ये लोग कर रहे हैं और उसके बाद में ये चार दिन में आई हुई अलका लांबा इतनी घिनौना ट्वीट करती है घटना के तुरंत बाद कि हाँ ये जो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, और वहां भी सोनिया गांधी चुप्पी साधी रहती है। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी घिनौनी मनसा है और इनकी छोटी ओछी राजनीतिक दिखती है कि ये अपने सत्ते के मद में, ये अपने सत्ते को पाने के लिए और अपनी कुर्सी को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये सर्वोपरि इनके लिए देश नहीं है, इनका अपना मान सम्मान सर्वोपरि है।
जो उन्होंने सवाल पूछा, जो अर्णब गोस्वामी ने जी ने सवाल पूछा, उनका सवाल का 100% मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि एक चीज बताइए, जब एक कोई विशेष समुदाय का लोग मरता है, उस पे तुम सब लोग छाती पीटते हो, सारा मीडिया छाती पीटता है। अब एक संत समाज को मार दिया गया है दिन दहाड़े, सब वहां पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड है, पुलिस किस तरह से घिनौनी हरकत कर रही है कि पुलिस ले जा करके उनको एकदम उनके हवाले करके छोड़ देती है, तो मतलब इन लोगों से क्या उम्मीद करना चाहिए। अभी तो ये एक स्टेट में सम्मिलित सरकार बनाए हुए हैं, तब ये घिनौना हरकत कर रहे हैं। सोचिए जिस दिन से फिर इनका पीएम होगा और इनका हर स्टेट में सीएम होगा, सोचो उस दिन क्या होगा। उस दिन ये लोग मतलब राष्ट्रवादिता का एकदम हत्या कर देंगे, और ये लोग सिर्फ किसी तरह बेच करके खा जाएंगे इस देश को, जैसे नेहरू ने किया, जैसे बाकी कांग्रेसियों ने किया है। जो कांग्रेस कहती आई है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर पत्रकार हैं वो अपना एक अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ अगर वो कांग्रेस से सवाल करते हैं, वो यही तो पूछना चाह रहे थे कि जो कांग्रेस बाटला हाउस वाले कांड पर आंखों से आंसू से रोई थी सोनिया गांधी, संतों की हत्या हुई तो उस पर क्यों नहीं इन्होंने कोई भी शब्द बोला। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अर्णब गोस्वामी ने उनका नाम लेकर के ये पूछ लिया तो उनके खिलाफ इतनी एफआईआर कर दी गई और उनके ऊपर हमला करा दिया गया, और उन्होंने साबित भी हो गया कि वो यूथ ब्रिगेड के कांग्रेस यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता थे। सर देखिए, उन लोग का एकदम मनसा क्लियर है, वो लोग कहीं भी देखिए वो खुल के कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम एक ही पक्ष के हैं। और राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक खुल के ये लोग मंच पे सामने आए हैं और बोले हैं कि हम लोग सिर्फ विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं और हमें किसी से मतलब नहीं है। ये लोग मोदी विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी ऐसे बन गए हैं कि ये कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ये एकदम राष्ट्र विरोधी हैं। और ये लोग आप जान लीजिए इतना बड़ा मतलब राष्ट्र विरोधी बन चुके हैं, और हर लोगों के नजर में इनकी मतलब घटिया राजनीतिक दिख चुकी है, और इन लोग का अंत समय आ चुका है। अब ये लोग अपने अंत की तरफ हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, जो एक पार्टी का एक अहम योगदान होता था भारत सरकार बनाने में, आज उनकी वो एकदम बैकफुट पे खड़े हैं, जहां कि उनका 10% भी योगदान नहीं है, आज उनका 10% भी प्रत्याशी चुनकर नहीं आ रहा है। तो लोग अंधे नहीं है, लोग का आंख अब खुलने लग गया है। मैं आपको बता दूं, बहुत से बुजुर्ग जो कहते थे कि नहीं कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी है, हमारा वोट तो उसी को जाएगा, लेकिन अब उन लोग का भी आंख खुल चुका है, अब वो लोग भी कांग्रेस को समझ चुके हैं कि अब ये एक वामपंथी है, और ये सिर्फ और सिर्फ दंगा और आतंकवाद को फैलावा देता है, और ये सिर्फ आतंकवाद कराना चाह रहा है। और जिस तरह से नेहरू ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बंटवारा कराए और कश्मीर को धारा 370 दे दिया, उनके हालत पे कश्मीर पंडितों को मार दिया गया, कांग्रेस का जिस टाइम सरकार था 1992 में, उस टाइम कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, वहां चुप्पी साधी रहे, तो लोग कब तक पागल बनते रहेंगे, कभी ना कभी आंखें खुलेंगे। अब देखिए जो अभी सिचुएशन है, अभी हर युवा का आंख खुल रहा है, उसी तरह से हर बुजुर्ग का भी खुल रहा है, और आने वाले पीढ़ी को भी उसी तरह से वो शिक्षा देंगे, ताकि इस कांग्रेस जैसे कुरीति को और मतलब गंदी राजनीति को अपने देश से खत्म करने में सहयोग करेगा आने वाला पीढ़ी भी। अर्णब गोस्वामी कांग्रेस पर इतने बड़े सवाल करता और इस तरह के हमले करता है, तो अगर इसको लेकर के मीडिया का एक वर्ग है वही इस चीज की आलोचना करना शुरू कर देता है, जो कांग्रेस के बिल्कुल चाटुकार पत्रकार हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं ये जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं लाजमी थे। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो वहां की सरपंच हैं उनको भी धमकी मिली है, उन्होंने भी 2 घंटे तक वहां पर जूझती रही है उनको बचाने के लिए, और उसके बाद वहां पर एक काशीनाथ नाम का एक एनसीपी का कार्यकर्ता आता है, उसके बाद उसकी जय जय होती है, दादा आ गया, अब उसके बाद चढ़ाई कर दी जाती है, फिर से पुलिस निहत्थी रह गई और ये लोग हथियार बंद हो करके उन पर अटैक कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो शुक्र मनाइए कि अभी इनकी मिलीजुली सरकार है वहां पे,
तब ये सिचुएशन है, अब कांग्रेस इतनी गिर चुकी है कि जिस स्टेट में इसका सरकार पूर्णतः होगा उस दिन दहाड़े लोग काटे और मारे जाएंगे और बस हम लोग तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी हिंदू समाज क्या कर रहा है, तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आज भी हम लोग बस बातें कर रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बहाने सब लोगों का हाथ बंधा हुआ है, लोग कुछ कर नहीं पा सकते, हम लोग बस बातें बना रहे हैं। आज जिस हिसाब से हमारे साधु और संतों को मार दिया गया है, आज एक चीज बताइए कि वहां पे जाके अभी तक जितने वहां पे बताया गया कि 800 लोग थे, तो लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस वहां पे अगर अभी बीजेपी का सरकार होता आपको देखने को मिलता, हर लोग गिरफ्तार हो चुका। सबसे पहले बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा घटना वहां होता ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो ये इस घटना को अंजाम देते। लेकिन वो जानते हैं कि जो उनके फादर हैं, गॉड फादर हैं, उनका सरकार है और वो वहां पे मिला जुला सरकार है, तब उनको इतना हिम्मत है। जिस दिन मैं कह रहा हूं अगर उनका पूर्ण रूप से सरकार होगा, सब लोग अपना कान खोल के सुन ले, मरने के लिए तैयार रहे और आप लोग को मरना पड़ेगा और आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है और कोई आपका साथ देने वहां नहीं आएगा। आप अगर सरकार चुनने में इसी तरह से गलती करते रहे तो ये अंजाम आप लोग को भुगतना पड़ेगा और हर बार भुगतना पड़ेगा आप लोग को। सर, सबसे बड़ा सवाल एनसीपी से भी है, कांग्रेस से भी है, अगर इनके नेता वहां पर जाते हैं और संतों की सुरक्षा की बजाय उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, ये किस तरह का षड्यंत्र था? सर, ये बिल्कुल घिनौना षड्यंत्र है जो इनके मनसा को दर्शाती है कि किस प्रवृत्ति के मनसा ये लोग रखते हैं। आपको पता है अभी दो ही पक्ष है, एक तरफ क्या है कि मोदी विरोधी है और एक तरफ मोदी समर्थक है। तो संत समाज और हिंदू समाज सबको आप पता है कि ये मोदी समर्थक है और बाकी जो मोदी विरोधी है, तो वहां पे वो किसी भी तरह मोदी समर्थक को वो मतलब खत्म करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं और किसी तरह नुकसान कर पहुंचाना चाहते हैं। इसी का एक ये उनका मानसिक प्रवृत्ति दिख रहा है कि वो लोग कितना गिर चुके हैं और किस हद तक वो लोग गिरेंगे, इसका साफ साफ दिख रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है फिर भी संतों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। आज उन्हीं संतों का इतना बड़ा योगदान है कि हर जगह COVID-19 में वो चंदा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी संत को कोरोना हो गया है, आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई संत छिप रहा है, लेकिन हर जगह आपको दिखने को मिलेगा कि कौन छिप रहे हैं और कौन। आज तक आपने ये कभी सुना है कि मस्जिद से चंदा आया है? मस्जिद से चंदा कभी नहीं आया है और ना आएगा। और ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस लोग इतना गिर चुके हैं, इनकी इनकी मानसिक प्रवृत्ति इससे देखी जा सकती है कि अब ये लोग अपने अंत के ओर हैं। इनको जितना गंध मचाना था ये मचा लिए हैं, अब ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि आज जो अर्णब गोस्वामी के ऊपर FIR हुई, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे करके एक जगह उनको ला करके रख दिया कि मुंबई में ही उनका ट्रायल होगा। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो चाटुकार वकील हैं या फिर उनके पत्रकार हैं, उनके तो पंख फड़फड़ाने फिर शुरू हो गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। सर बिल्कुल, वो तो चाहेंगे कि उनके हिसाब से ही चले, वो तो शुक्र मनाइए और खुश नसीबी है इस टाइम भारत के कि बीजेपी की सरकार है और मोदी जी हैं। वो लोग कितना भी तिल मिलाए पर होगा वही जो सही होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अपने हक में फैसला ले लेगी या अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका पक्षपात हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सत्य की जीत होगी। आप ध्यान रखना कि कांग्रेस कितना भी गलत कर ले, कितना भी उसका सरकार वहां पे है, जो उसको करना था वो कर चुका है, अब उसको जो सही है वही कार्य होगा। तो इसमें बस देर है, आपने कहावत सुनी होगी देर है अंधेर नहीं है, तो कांग्रेस कितना भी कुछ कर ले तो उसके मतलब होगा जीत सत्य का ही हमेशा। तो अर्णब गोस्वामी जी ही इसमें जीतेंगे और उनके पक्ष में ही हमेशा फैसला आएगा, क्योंकि देखिए पत्रकार का क्या है, पत्रकार रवीश कुमार जैसे दोगले नहीं होते हैं, पत्रकार इसके ये सरदेसाई जैसे दोगले नहीं होते हैं। ये लोग बस अपनी चटुकारिता दिखाने के लिए ये कुछ भी बोलेंगे और ये कभी भी शुरू से उठा के देख लीजिए इन लोग का इतिहास, ये कभी सच के साथ थे ही नहीं और ना ये रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे
लोगों को जागने की आवश्यकता है और देखने की और सचेत होने की कि किस तरह से कांग्रेस एक राष्ट्र एक राज्य में जो मिलीजुली सरकार है वहां इतना घिनौना हरकत कर सकता है। तो जहां इनकी पूर्ण सरकार होगी सोचिए वहां क्या क्या किया जाएगा।